नमस्कार, मैं अवधेश मिश्रा, आप सब देखते रहिए भोजपुरी बातें बातें। और इसकी लगभग शूटिंग पूरी हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? बाकी में जैसा आपने कहा कि विभाग केसरी भाग एक यूनिक एक अनोखी फिल्म है भोजपुरी में, स्पोर्ट्स पे आधारित, और ख़ास करके जो हमने सब्जेक्ट को चुना स्पोर्ट्स के साथ एक कमर्शियल चीज़ का जो ब्लेंडिंग है, ये दर्शकों को मुझे लगता है कि एक नया एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेगा और काफ़ी रोचक फिल्म लगेगी सबको। जी, कितना अलग हो अब तक के जो सिनेमा आपको होते हिट फिल्मों के आप माने जाते हैं डायरेक्टर, इस फिल्म में कितना अलग देने वाले हैं दर्शकों? देखिए, एज ए डायरेक्टर एज ए निर्देशक सबकी कोशिश रहती है कि वो कुछ ना कुछ डिफरेंट दे, मैं भी करते आया हूँ, लेकिन इसकी जो प्रयास है भाग खेसारी भाग, इसको कह सकते हैं कि ये काफ़ी डिफरेंट है बाकी फिल्मों से। जैसे खेसारी जी की पहली फिल्म थी और अब तक लगातार ढेर सारी फिल्में कह सकते हैं इसमें तीजी और खेसारी जी की जो अपना सब फिल्में हिट रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? खेसारी के साथ तो मेरा जो बॉन्डिंग है वो बहुत पुराना है, हमारे साथ ही हम लोग साथ ही में फिल्म किए थे, पहली फिल्म साजन चले ससुराल, मैं, खेसारी, स्मृति, उनके प्रोड्यूसर आलोक जी थे, इसके प्रोड्यूसर सिर्फ अलग है, बाकी ये जो टीम है खेसारी के साथ मुझे लगता है मैंने 10-12 फिल्म कर लिए हैं, तो बहुत अच्छा रहता है, बॉन्डिंग अच्छा है, ट्यूनिंग अच्छा है, तभी इतना लंबा साथ चल रहा है। और हम लोग साथ में जब जब आते हैं, हम, खेसारी, स्मृति, ये ऐसा मीडिया कहते हैं, आप लोग कहते हैं कि आप लोग हिट है, तो वही एक प्रयास है कि स्मृति को इतना दिन बाद फिर से हम लोग लाए हैं, एक तरह से कमबैक है, फिल्म में सब्जेक्ट अच्छी है, जोड़ी रिपीट होगी, तो उम्मीद करते हैं, उम्मीद तो रखते हैं कि अच्छा हो। जी, खेसारी जी के बारे में बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे? खेसारी के बारे में क्या बात करना है, खेसारी के बारे में नया कुछ कहना नहीं है, दिन पर दिन वो इम्प्रूव कर रहा है, मैच्योर्ड हो रहा है, और वो दिख रहा है, उसके फिजिक में मैच्योरिटी दिखती है, उसके एक्टिंग में मैच्योरिटी दिखती है, उसके बिहेवियर में मैच्योरिटी है, और सारी चीज़ों से वो दिन पर दिन और परिपक्वी हो रहा है। फिल्म के प्रोड्यूसर की बात की जाए, पहली फिल्म है उनकी? हाँ, फिल्म के प्रोड्यूसर का नाम है उमाशंकर जी, निहायत ही शरीफ और बहुत ही शांत किस्म के प्रोड्यूसर हैं, जैसे मेरा नेचर है उनके साथ हमारी ट्विनिंग और वेवलेंथ मैच कर रहा है, मैं भी कम बोलना पसंद करता हूँ, वो भी कम बोलते हैं, और फिल्म की जो रिक्वायरमेंट है उसमें उन्होंने कहीं पर कोई कोताही नहीं की है, हमको 1000 क्राउड चाहिए तो उन्होंने लखनऊ में स्टेडियम में 1000 क्राउड दिया, जो लोकेशन चाहिए, जैसे चीज़ें चाहिए वो चीज़ प्रोवाइड कराए हैं, तो मैं तहे दिल से उनकी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि भोजपुरी में आज के दौर में ऐसे प्रोड्यूसर की सख्त ज़रूरत है, और ये फिल्म अगर हमारी अपेक्षाओं पे खरी उतरती है तो ऐसे प्रोड्यूसर भोजपुरी में और फिल्म बनाएंगे जिससे सिर्फ हमारा, खेसारी और बाकी स्टारों का नहीं, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री का विकास होगा। एज ए डायरेक्टर और कौन कौन फिल्म आपकी आने वाली? अभी खेसारी के साथ और एक फिल्म है मेरी, सैया अरब गेलेना, जिनके प्रोड्यूसर अभय सिन्हा जी, दोनों प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली चल रहा है, दोनों का पैचवर्क ही बाकी है, इसका तो बस एक दिन का और काम बाकी है तो भाग खेसारी भाग कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम लोग दुबई जाएंगे सैया अरब गेलेना का दुबई वाला पोर्शन शूट करने, तो इस साल में दो फिल्में मेरी जो रिलीज़ होगी, एक भाग खेसारी भाग, एक सैया अरब गेलेना, और आगे भी लाइनअप चल रही है जिनके टाइटल फाइनल नहीं है, तो उसके बारे में अभी जिक्र करना बहुत जल्दी हो जाएगी। ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? ऑडियंस से मैं ये रिक्वेस्ट कहूँगा कि ये फिल्म को एक बार ज़रूर देखें, तमाम भोजपुरी में आई हुई फिल्मों के जैसा इसको ना आके, और जो ट्रेलर रिलीज़ होगा तो ऑडियंस को भी लगेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ कि एक डिफरेंट प्रयास है, एक भिन्न कोशिश है, वो दिखेगा उसमें, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ऑडियंस आए, फिल्म को देखे, सहारे, और फिल्म को सहारने लायक फिल्म हमने बनाया है, इसमें कोई वल्गैरिटी, कोई गंदगी, ये सारी चीज़ों से दूर हटकर एक मनोरंजक और एक मैसेज वाली फिल्म है, जैसे खेसारी चाहता है कि आज के डेट में फिल्म करे तो जिसमें कोई उद्देश्य रहे, कोई मैसेज रहे, तो इसमें भी एक मैसेज इनहेरेंट है, वो मैसेज दर्शकों को काफ़ी अच्छा लगेगा, और कोई प्रीचिंग वाला सब्जेक्ट नहीं है कि मैं दर्शक को टीच कर रहा हूँ, कुछ बताने जा रहा हूँ, बहुत ही सहज सरल ढंग से एक मैसेज को परोसा गया है, और उम्मीद करता हूँ कि अगर दर्शकों को आशीर्वाद मिलेगा तो फिल्म बहुत बड़ी सफल फिल्म होगी। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.